हे गाइस व्हाटइज अप, क्या हाल चाल है भैया लोग का। तो आज हम भैया व्लॉग बनाने जा रहे हैं शादी का, बहुत ही स्पेशल, मतलब शादी की पहले की रस्म की। और ये देखिए हमारे पीछे कौन है, बड़े भ्राता से पूज्य श्री श्री संदीप सिंह, आगे क्या लगाते हैं आप, सूर्यवंशी। हम लोग भी हैं इसीलिए। तो इनकी शादी जो है अब विग्रह आने वाले तारीख को पड़ी हुई है, और तारीख नहीं बताएंगे आप लोगों को, न वेन्यू बताएंगे, क्योंकि मना किया गया है इनकी तरफ से, बराती थोड़ा कम रखे जाए, प्लेट का सिस्टम थोड़ा महंगा है इसलिए नहीं बताना है। तो अभी चलिए हम शादी की रस्म दिखाते हैं। शादी की पहली रस्म होने जा रही है उड़द दाल चुवाना। ये देखिए ये जो बीच का तड़का है, हाँ? इसको आप कृपया करके एडिट कीजिए। क्या तड़का बोले हैं? अरे यार हम भैया इसलिए नहीं प्लेट महंगी, भैया हम साफ सबको बुला दे रहे हैं, भैया जलसा रिजॉर्ट में शादी है 27 तारीख को, सब लोग आमंत्रित हमारी तरफ, सभी लोग आइए भैया, ब्लॉग ही डालूंगा 27 के बाद, आते लगा है, आइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शादी की पहली रस्म दिखाने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं उड़द चावल छूना। आपको पता है कि नहीं? नहीं हमें पता नहीं है, जब हमारी शादी होने वाली है अब हमें थोड़ा बहुत पता लग रहा है। तो चल रहे हैं विटनेस करने के लिए। और भैया की देखिए थोड़ी तबीयत खराब है हमारे, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा, इनके गले में इंफेक्शन हो गया, हम लोग सोच रहे हैं कि और रेयर की रेयरेस्ट वाली सारी बीमारी हमें होगी। शादी के 2-3 पहले बीमारी पहले सोच ला, शादी के बाद इनके क्या हालत होगी, आइए चलिए आपको दिखाते हैं, आइए लेट्स गो। ये देखिए यहाँ पर ये लोग कुछ कर रहे हैं छोटे घरों में, अपने छोटी छोटी बहुएं जो है, ये देखिए छोटी छोटी बहुएं, अभी छोटी बहू नहीं आई, हम लोग बोल सकते हैं छोटी बहू। ये देखिए यहाँ पर कोई रस्म हो रही है और इस रस्म का नाम पता नहीं। और ये देखिए यहाँ पर घर का बड़ा लड़का वहाँ खाना खा रहा है, उर्दी छुआई हो रही है, ऐसे कहा हो थे बतावा, उर्दी छुआई से कहा हो थे बताइए, अरे हो तो कहा है ये तो बतावा पहले, एक सूप में ऐसे ढंगलाया जाएगा और सूप बनेगा कौन ये बताएंगे कुछ, क्यों की जाती है रस्म, नमाज पढ़ा जा रहा है क्या, अरे चल श्री राम सब भगवान लोगों का फिर नमाज बोल दे, इतने शुभ मुहूर्त में भैया एक बार इसको ना बोले कैसे जगह पे भैया, एक जने घरे काम करे हो खाली ले गई जिसे करत जाते हैं लोग, ऐसे पता चलत के घरे घरे अपने काम करे भाई, देखा भाभी काम कराया जा रहा है लागत ज्यादा एम कह लेते हैं, देखा बुगत लेकिन झुगुर झुगुर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए वाह भाई वाह बहुत ही तगड़ा, किलो दे देना लोग खाना भरे काम तो कह दे कम से कम, यहाँ पर देखिए बहुत तगड़ा चलता हूँ, कहो लोग गावा। ये देखिए शहर की बहू है, इन लोग गन में ना आवत बात है देखा था इसे पता चला भी लोग शहर खाइन रे लोग गन में ना आवत तन के गावा गाओ, अ तू का कर तू गाइबू, हां हम लोग बजावत है, एक किलो ले ले तू कम कम, और तू कलिया भर एक चौरा पी जा यार करा इनका देखा इनदे आवाज एक जगह साउथ कहां साउथ हुई हां फोकस करा गावा तू लोग दोहरावा कम से कम ये लोग लास्ट वाला वर्ड कह करके हो ही करत है इनका ली और ये देखिए ये मिलिए हमारे सबसे बड़े ना सबसे बड़े भैया, ये देखिए बड़े भैया, ये देखिए आज हमारे बड़े भैया से कुछ मिलना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, ये कुछ बोलेंगे आज इनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, आपके सब देख के कैसा लग रहा है, साइलेंट होके चल रहा है, आप बताइए सूप क्यों किया जा रहा है, साफ क्यों किया जा रहा है, नहीं बताना कहता सूप का झगड़ा भाई से चावल कराए भाभी सूप रही है तू चावल लवाई से ढक रही है मारे किया जा रहा है। वो देखिए वहाँ पे आपके ऋषि बाबा ठाकुर बड़े भाई बुला रहे हैं आपको, जाइए आइए। और ये देखिए हमारे दूल्हे की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, ये देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए कुछ सिस्टम चल रहा है भाई, कर जल्ला देखा जे जे ना देखे हो गाँव में ही सारे बैठ के देखे अपन ना, फिर गावे शुरू कर दी लोग बात बात पर गावे लगा था इन सारा तुरंत है चला और ये देखिए दूल्हे के सगे सगे छोटे भाई यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, और ये देखिए हम लोग सगे नहीं है लेकिन भाई से कम है क्या, आज हम लोग ज्यादा लगाते हैं बल्कि छोटे भाई बोले, ये देखिए यहाँ पर ये बैठे घुस रहे हैं। शादी वाले घर में भैया सबसे मुश्किल काम है सोने के लिए जगह खोजना,
हम एक जगह अभी सोए थे जाके ऊपर ये जाके हमको उठा लाए हैं, ये देखिए अब उन्हें लोग उठे ना, हम कहे नाम उठम ना, ये लोग आए खबर खबर कहते हैं केस हुआ केस हुआ, कौन चल रहा है, हम कहे यार मैं लौट जाइए गोड़ छुए को लोग आए उठाए थे ना, मैं मतलब यार ही देखिए यहाँ पर साउंड ले, ये देखिए ये लड़का भागा जा रहा है, ये देखिए हमारे पर गाड़ी चढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए भाग जा रहे हैं ये, जा 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 निगरा, ये देखिए भैया ये है घर, ये देखिए ये छोटी बच्ची बीमार हो गई है, हमारे कहने सब जने बीमार हो गए जैसे कोरोना काल में सब दुखी हुई, सब लोग बीमार हो गए हैं, दुल्हा बीमार पर दुल्हा मम्मी बीमार पर दुल्हा बहन भांजी सब बीमार हो गए, देखा बहन हो ही नहीं है बेचारे उनके पीछे, अब देखा ये देखिए दिखाने जा रही है, देखिए ये भी बीमार हो गई है, एक जने दिखावा जाते जाते हैं, जाइए जाइए दिखा कर आइए, तुम जाते दिखावा हो चल रहा है आवाज सब जने, तो जल्दी जल्दी काम कराओगे लाइट लगाओगे घर में, जा 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 जल्दी से आवाज जा, ये देखिए भैया ये जो है यहाँ पर घर इस तरह से कुछ सजा हुआ है, बहुत तगड़ा लग रहा है यहाँ पर, बिल आपको लाइट जलेगी बहुत ही उम्दा लगेगा, ये देखिए भैया इसी बीच में इनको सुसु भी लग गई है, यहाँ पर पूरा कार्यक्रम चल रहा है, सुसु करने के लिए चल दिए हैं, इनका बहुत कठिन काम है भैया सुसु करना, जब तब देखिए सुसु लग जाती है इसको, चल ले आओ घर में देखा था पूजा वाला माहौल बा, ये देखिए भैया ये जो है भाभी की तरफ से जो गाड़ी आई है ग्रैंड विटारा, इसको आज जा रहे हैं भैया चला के थोड़ा टेस्टिंग करके देखने के लिए कैसी इसमें आवाज है क्या सस्पेंशन है, ये देखिए कैसी भागती है सब लगा के चेक किया जाए, अभी तक हमने चलाया नहीं भैया, हजमोला हजमोला के रखे हुए तो इसको जो है पीछे कर रहे हैं, ये देखिए ये देखिए कुत्ता आ गया यहाँ पर भैया की, हम कहे जो दहन में मिली है जो ग्रैंड विटारा इसको चला के देखे भैया ग्रैंड गाड़ी को, ग्रैंड वेलकम को, हम कहे थोड़ा चला के रॉड पवा के देखे कैसी चलती है, चला ही नहीं पेट्रोल है डीजल है वही पेट्रोल, तब समझिए ना दिखा हो एक दिन चाप दे हमें सारा कहले क्या बाहर यो सर्वा बहुत कम ना है ना, ये देखिए यहाँ भैया सही तो चल रही जगह भी है इसमें काफी सही गाड़ी है, ये देखिए बहुत तगड़ी चलती हुई, भैया यहाँ पर खाना खाने के बाद बड़े भाई की छोटे भाई से पीड़ा है कुछ, ये देखिए बहुत दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्याह में अपने हमें पहचान लिया है, पीड़ा उनकी जेन्युइन है, ब्याह में तो चीन लिया हम लोग ब्याह में चिंतन नान भैया शेरवानी पहरे भाई घर से जैसे इनका कहने का मतलब भाभी के साथ जब फोटो खिंचाते हैं किसी पहचानते नहीं है, इनके इनके ऊपर इल्जाम लगा है, तो भैया भैया चिंतन भैया का घर वाले चिंबाना बेलबम को मारे जैसे अच्छा मान लिया एक्टर उक्टर बनिए पिक्चर शूट हुए तो हम लोग वही चिल्लात रहा बाउंसर उठा लिया है बाउंसर उठा लिया है बतावा, ये देखिए बाउंसर से आया आपके लिए बाउंसर कर दिया जाए दो चाटे, ये देखिए आप कहो भैया ये देखिए यहाँ पर काफी माहौल खाने के बाद ये देखिए बम्बैया भाषा बोले लगी है बताइए दो चाय लाना ए कहिए ए इनको लेते आओ इनको लेते आओ इनको लेते आओ ऐसे कैसे कब ये कहिए इनको लेते आओ इनको लेते आओ ऐसे बोल दिए, ये डांस प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और हमारे फूफा जी पहले नाचेंगे और सब जने कहां भाग गए, ये देखिए डांस Yeah.
तब भैया हम लोग भैया नाच गाना करके चले आए यहाँ पे सोने के लिए अपने घर, क्योंकि वहाँ भैया आज सभी लोग रिश्तेदार छूट गए थे, ज़्यादा लोग, तो हम लोग वहाँ रुक नहीं सकते थे क्योंकि जगह कम थी और दिक्कतें थी। फुफा जी को सोना था इधर, वहाँ बेड उठाए नहीं, हम लोग तो गद्दब काम चला लेंगे लेकिन फुफा उप्पा कैसे सोएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ चले। अब कल भैया जो है हल्दी मेहंदी है फंक्शन, उसमें जाना है, और सबसे बड़ी बात हल्दी मेहंदी के लिए हमारे पास कुर्तवाए नहीं है। अब ये वही बात हो गई ना कि 10 बजे हल्दी मेहंदी है, 10 बजे अमीनाबाद खुलता है, तब हम जाएंगे कुर्ता लाए लेवाए, तो वही बात हुई है कि जब दुआरे आए बारात तो संध निकला घगवास। अब हम बागा बागा जाएंगे कुर्ता लेने के लिए, तब हल्दी मेहंदी करेंगे भैया, सब उस मेहंदी में पहन रहे हैं हल्दी भैया, पीर तमाम पीर पहनना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन अब कल 9 बजे मुहूर्त है, देखते हैं, अब यहाँ से हम कुर्ता लेकर ही जाएंगे, तो अब कल जल्दी सोना पड़ेगा, एक बज चुका है भैया, तो बाय बाय, ओके गुड नाइट, लाइक करिएगा शादी ब्लॉग सभी, ठीक है, बाय।